नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों उनकी मोस्ट अपडेटेड फिल्म गदर 2 की सफलता का आनंद ले रही है। इस फिल्म में वह एक बार फिर से सनी देओल के साथ नजर आई है। सनी और अमीषा की गदर 2 ने दर्शकों को खूब दिल जीता और यह फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इन सबके बीच गदर 2 एक्ट्रेस अब उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल होगी जो शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म जवान की जबरदस्त ओपनिंग पर उनकी सराहना कर रहे हैं। अमीषा ने भी किंग खान दिलचस्प अंदाज में जवान की सक्सेस की बधाई दी है। अमीषा पटेल ने पठान के बाद एक और हिट देने के लिए शाहरुख खान को बधाई दी। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर किंग खान को बधाई दी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो ट्वीट लिखा था उनमें उनकी अपनी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 का भी रेफरेंस है। दरअसल उन्होंने लिखा, बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से गदर मचाने के लिए शाहरुख खान को बधाई, आपसे बेहतर ये मैजिक कौन कर सकता है, वी लव यू। पिछले हफ्ते शाहरुख खान भी मुंबई में गदर 2 की सक्सेस पार्टी में गए थे। वायरल हुए वीडियो में उन्होंने सनी देओल और अमीषा पटेल को गले लगाते और बधाई देते देखा गया था। इसके अलावा आस्क एसआरके सेशन में एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि क्या उन्होंने गदर 2 देखी, तो किंग खान ने जवाब दिया, हाँ बहुत पसंद आई। बता दें कि इटली द्वारा निर्देशित जवान में शाहरुख खान ने डबल रोल प्ले किया है। फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर और कई स्टार्स ने दमदार रोल प्ले किया है। वहीं दीपिका दुकान और संजय दत्त ने भी फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। जवान की बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जहां पहले दिन फिल्म ने 129 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में की थी, वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 235 से 250 करोड़ पार हो गया है। जबकि अब तीसरे दिन फिल्म का आंकड़ा भारत में ही 200 करोड़ पार होने को तैयार है, क्योंकि वीकेंड का फायदा छुट्टी पर फैंस उठाते नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार जवान भारत में तीसरे दिन 72 करोड़ की कमाई कर सकती है, जिसके बाद फिल्म का आंकड़ा 200 करोड़ पार हो जाएगा। वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 300 करोड़ पार हो सकता है, जो कि जवान का ओवरऑल बजट बताया जा रहा है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।